स्टार्ट कर रहे हैं उसकी अगर मालूम ना हो, उसकी अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपको बेसिक चीजें ना क्लियर हो, तो क्या करना है आपको समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, पता ये चलता है कि हाँ करना कुछ है और कर कुछ बैठ है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पर ही आते हैं कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं, जो आप यहाँ पर असेंबल हुए, आप यहाँ पर आए, आपका एक उद्देश्य है, आपने एक टारगेट बनाया, आपने कुछ सोचा होगा, आपने एडमिशन लिया, फिर आप यहाँ पर आए, तो आपका भी टारगेट ये होगा कि किसी ना किसी तरह से कॉम्पिटिशन को जो है हम लोग बीट करें और किसी ना किसी एग्जामिनेशन को बीट करके कोई ना कोई पोस्ट होल्ड कर लें, या कोई एक तरह से ये कहा जाए कि आपसे कि जो ऐसे टीचर्स होते हैं जो हमेशा प्रोग्रेसिव माइंड के होते हैं, एक माइंड हमेशा प्रोग्रेसिव होता है और ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग इसी तरह के टीचर हम लोग कैसे कहा जाता है, जानवरों में श्रेष्ठ है, हम लोग भी जानवर हैं, लेकिन हम लोग अपने कृत्य से, अपने कामों से, अपने वर्क से धीरे धीरे करके हम लोग अपने आप को हर एंगल से, हर जगह पे कुछ ना कुछ चीजें प्रूफ करते हैं, और प्रूफ इस तरह से करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर किसी चीज के लिए आप जैसे आपके एक तरह से एफर्ट कर रहे हैं, वहां पे आप अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए जॉब पे जाना चाह रहे हैं, जॉब में सिलेक्शन पाना चाहेंगे, आप घर में हैं, एक अच्छे बेटे की तरह से बिहेव करना चाहेंगे, आप किसी दोस्त के साथ हैं, बेस्ट फ्रेंड बनना चाहेंगे, आपकी फैमिली होगी तो एक अच्छे जो है आपके हस्बैंड और एक अच्छे या वाइफ आप लोग बने, या फिर आप लोग जो है अपने बच्चों के अच्छे पेरेंट्स बने, ये एक तरह से टारगेट होता है किसी भी व्यक्ति, क्योंकि लाइफ लॉन्ग हम लोगों के साथ हमेशा परीक्षा लगी रहती है। ऐसा नहीं कि आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाती है, जॉब आपने सीख कर लिया उसके बाद सारी टेंशन खत्म। लाइफ एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा स्ट्रगल में बीतती है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रगल्स आपके हमेशा लगे रहते हैं। बचपना रहता है, आप क्लासेस में जाते हैं, कोई क्लास थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, इस तरह के क्लासेस में मम्मी डैडी घर वाले बहन भाई सब प्रेशर करते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ज्यादा ज्यादा मार्क्स लाओ, वो उस तरह का प्रेशर होता है, वहां पर भी आपको पढ़ाई, तो हर एंगल से आपको अपने आप से प्रूफ, हर व्यक्ति के एंगल से अलग अलग चीज होती है। एक भिखारी अगर बैठा हुआ है, उसको भूख लगी हुई है, उसको ये चाहिए कि उसको पेट पे रोटी पहुंच जाए, अगर मान लीजिए उसने कुछ स्ट्रगल किया और उसके पेट पे रोटी पहुंच गई, इसका मतलब कि उसकी स्ट्रगल कंप्लीट हुई और वो सक्सेसफुल हो गया, उसकी सक्सेस उसी में है। आप जो आईडी करता है उसका कोई और टारगेट है, किसी कोई नेशनल टीम में जाता है, इंटरनेशनल टीम में जाता है, तो वहां पर उसका कुछ और टारगेट होता है, लेकिन सबके एंगल से सक्सेस की डेफिनेशन डिफर करती है। और सक्सेस की डेफिनेशन कौन बनाता है, हम ही लोग बनाते हैं, हम लोग अपने अंदर इन चीजों को बनाया करते हैं। हम लोगों के अंदर एक जो हम लोगों का ऑरा होता है, ऑरा मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट, एक इंसान के चारों ओर जो उसका ऑरा होता है वो आदमी खुद क्रिएट करता है। आप सोच से कितने बड़े हो सकते हैं और सोच से कितने तुच्छ हो सकते हैं, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। अगर आपकी थिंकिंग, आपके सोचने का ढंग बिल्कुल डिफर करता है, अगर आप ऊंची सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, ब्रॉड सोच रखते हैं, तो कभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, या छोटी छोटी बातें इस तरह की करने वाले लोगों को के ऊपर आपको मन में हंसी आएगी कि ये अभी तक इसी तरह के काम में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला जो स्टेप हम लोगों का होता है, हम लोग जिस चीज की तैयारी करने जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन की जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं, उसमें क्या है कि हम लोगों का मेन मोटिव यह है कि हम लोग सक्सेसफुल हो जाए, कोई एग्जाम दें और एग्जाम दे करके जो है आपने जॉब सीख कर लेना, ठीक है, ये अभी फॉर द टाइम बीइंग आपका एक एम हो सकता है, गोल हो सकता है, हो सकता है जब आप इसको अचीव कर लें एक नया गोल बन जाए। इसीलिए ह्यूमन बीइंग को हमेशा प्रोग्रेसिव माइंड का कहा गया है। प्रोग्रेसिव माइंड क्यों, क्योंकि हम लोग शिथिल नहीं हो सकते, हम लोग अगर शिथिल हो गए तो खत्म हो गए वहीं पे। अगर ह्यूमन बीइंग ने यह सोच लिया कि हमें सब कुछ मिल गया और आज के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमेशा क्या होगा, वो क्या हो गया, वो शिथिल हो गया, वो फिर स्टैग्नेंट हो गया, और स्टैग्नेंसी आने पर फिर हर व्यक्ति की ग्रोथ रुक जाती है। तो हर व्यक्ति की सोच, दुनिया में कितने इंसान बने हैं, वो सब जो है अपने अपने अलग अलग सोच से सोचते हैं, किसी की सोच मैच नहीं करती, ऐसे है कि हो सकता है कि जॉब से अलग हट करके आप एंटरप्रेन्योर खुद बन जाए, आप दूसरों को जॉब देने लगे,
कुछ ऐसे यहाँ पर बैठे होंगे जिनको जॉब से कुछ मतलब नहीं होगा और लाइफ में उनके लिए कुछ और रखा हुआ है, उनके अंदर कुछ और क्वालिटी दबी हुई है और वो क्वालिटी निकल करके हो सकता है आ जाए, वो दूसरी फील्ड पकड़ ले। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप टारगेट तो एक लेकर के आए हैं, उस टारगेट के अनुसार और हमको जो है आपके सीज कर दिया जाए। तो होता क्या है कि जब आप अपनी मेहनत से कोई चीज अचीव करते हैं उसकी खुशी और होती है। आपने मेहनत करी, रिजल्ट आया, आप किसी कंपटीशन में जो है आपने बीट किया और उस कंपटीशन को बीट करने के बाद जब आपने अपने मेहनत से नौकरी पाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत तेजी से ग्रो करता है। इसीलिए देखिए जब कंपटीशन में विद्यार्थी रहता है धीरे 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 उसका ग्रोथ होती है। वहां पर टारगेट ये होता था कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े और जल्दी और ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आए। वहां पर मेन मोटिव ये रहता है नंबर कैसे ज्यादा लाए। इस टीचिंग में दुनिया की आधी से ज्यादा 99% सैलरी आपकी 50,000-60,000 हो, 50-60,000 सैलरी पहली अटेम्प्ट में आपने निकाला या स्टार्टिंग है वहां से, और जब वहां से स्टार्टिंग है मान लीजिए 60,000 रुपए आपकी सैलरी है, 60,000 आपको एक मंथ में मिल रहा है और एक फैमिली को रन करने के लिए शायद इंडिया में 60,000 बहुत है। और खासतौर से जहां आप हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, छोटे शहर की बात अगर हम करें जैसे इलाहाबाद जैसे इस तरह के शहर की अगर हम बात करें तो ये शहर जो है आपके 60,000 मोर देन इनफ जो है अमाउंट होता है, सरकार उससे ज्यादा पैसा देगी। तो आपका जो एक तरह से एम होगा टारगेट होगा, अगर आप ये सोचिए अरे अब हमें सब कुछ मिल गया, आप वहीं पर टारगेट आपने बनाया उसमें लगे रहिए। वजह यह है कि जो कॉम्पिटिशन है कॉम्पिटिशन में पेशेंस चाहिए। ये अगर आप सोच लें कि पहली बार आपने एग्जाम जो है अब आपने कोचिंग शुरू कर दिया, अब 4 महीने बाद आपका कोई एग्जाम आ गया, आपने कोई फॉर्म डाल दिया आपका निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। जैसे अगली चीज पर एग्जाम हुआ, अब उस एग्जाम में 3,500 वैकेंसी लगभग थी, 3,500 वैकेंसी के लिए फॉर्म कितने आए, 29,68,000 फॉर्म। ये आना बताने जरूरी है। उन्हीं बातों को पहले आपको समझ लेना है कि हम किस कैटेगरी में अभी हैं और किस कैटेगरी में हमें पहुंचना है, जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि ये जो हमारी क्लास है इंट्रोडक्टरी क्लास हमारी 2-3 दिन जाएगी कम से कम, लेकिन इस 2-3 दिन में आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा कि आप किस लिए आए हैं, कैसे आपको पढ़ना होगा, कैसे आपका कॉम्पिटिशन बीट होगा। अब हमने कहा कि जितने भी लोग जस्ट थर्ड ईयर कंप्लीट किया हो उसने हो सकता है कि अभी कुछ सुना हो कि हाँ फलाने गांव का हमारे गांव का फलाने लड़के का सिलेक्शन हो गया इस एग्जाम में, चलो हम लोग भी फॉर्म निकला है डाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हो गए। तो ये जो ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है, लगभग 40-50% लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ बढ़ाते हैं खाली कॉम्पिटिशन की, कंपटीशन की भीड़ बढ़ाते हैं। मतलब अगर हम 30 लाख विद्यार्थी की बात कर रहे हैं तो 30 लाख विद्यार्थियों में लगभग 15 लाख विद्यार्थी मान लीजिए कि फजूल की भीड़ है। तो यहां पर क्या है वो भीड़ है जिसने ऐसे ही फॉर्म डाल दिया है, जिसको क्योंकि कंपटीशन बाय चांस अब नहीं है। पहले क्या हुआ करता था कि चलो कोई भी कॉम्पिटिशन हो रहा है चलो डाल देते हैं शायद हो जाए, तो इस तरह में कभी कभार 1,000 में एक हो जाएगा, अब लाख में भी एक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति फाइट कर रहा है 0.25 मार्क्स भी आपका काउंट करना ही पड़ता, कोई जो है आपके एक तरह से प्रिपरेशन नहीं, किसी तरह की कोई प्रिपरेशन नहीं है। फिर दूसरी कैटेगरी ये क्या है, ये आप लोग वाली कैटेगरी है जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, जिन्होंने सोच डेवलप करी है कि अब हम कॉम्पिटिशन देंगे और प्रोसेस में है। आप प्रोसेस के मतलब कोई ऐसा होगा कि जिसने अभी स्टार्ट किया है कोचिंग, अभी एग्जाम हो गया फौरन, कुछ लोग 2 महीने बाद 2 महीने की कोचिंग कर चुके हैं तब एग्जाम हुआ, कुछ लोग 8 महीने की कोचिंग कर चुके हैं तब एग्जाम हुआ, कुछ लोग 7 महीने की कोचिंग किए हैं तब एग्जाम हुआ। ऐसे लोगों का जो परसेंट होता है आप देखेंगे लगभग ये भी 20-30% लोग होते हैं, क्योंकि जो आपके एक तरह से कैटेगरी है 30% ऑन एवरेज अगर आप मान लें तो 10-20% लोग ही केवल बच पाते हैं। 10-20% लोग के मतलब ये कि ऐसे लोग जो आपस में फाइट करते हैं। यहां पर क्या है, अब इन लोगों के साथ क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 महीना पढ़ा है, आप इनसे फाइट करने लायक हो गए, मतलब कहने का मतलब इनसे टक्कर ले सकते हैं, इनसे आप 20-18 हैं या 20-19 हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत आप फाइट कर सकते हैं अभी फिलहाल।
तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोगों का कभी जैसे मान लीजिए कि अपने एफर्ट से आपने कोई एग्जामिनेशन दिया और कुछ अपना जो है अपना एफर्ट लगाया, कुछ किस्मत के साथ दे दिया, कुछ आपने टिक किया था, कुछ आंसर सही हो गए और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो गया। तो बेसिकली जो एक तरह से आपके प्रिपरेशन अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, जो प्रोसेस में है, प्रोसेस कर रहे हैं, उनकी कैटेगरी जो है आपके इस तरह की होती है 30% के आसपास ऐसे लोग होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, इनमें से हजार में एक, हजार में दो इस तरह से सिलेक्शन हो जाया करते हैं। आप लोगों में भी सिलेक्शन, जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं सिलेबस होगा तब तक आपका कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए बीच में किसी एग्जाम के लिए दिमाग में ये मत रखिएगा कि आप प्रिपरेशन के लिए, जैसे मान लीजिए आपका बैच स्टार्ट हुआ है तो आप 2019 में पढ़ रहे हैं, अब आप 2020 के एग्जामिनेशन के लिए जो है आपके एक तरह से एलिजिबल है। जो 2020 में आप फॉर्म निकलेंगे उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, उसके लिए तब आप तैयार हो पाएंगे। तो 2020 का जो एग्जाम होगा वो उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपने 2019 में प्रिपरेशन शुरू करी। जो 2018 में आए थे उन्होंने जो है आपके आप प्रिपेयर हो गए, आप 2019 के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी होती है ये फुल फ्लेश्ड अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुकी है। जैसे डिफरेंट लेवल्स हो गए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आ रहे हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मॉक को डिस्कस कर रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी क्या है, जब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे तो आप देखेंगे दो टीयर में एग्जाम होते हैं मेनली, रिटन एग्जामिनेशन ऐसे तो फोर टीयर्स में, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। तो जैसे सीजीएल जो आपके आपके उनका है तो वो आपके फोर टीयर्स में है, और इसी तरह से थ्री टीयर्स में जो है आपके एक तरह से मेनली, तो ज्यादातर पोस्ट थ्री टीयर में ही है लेकिन कुछ में आपके फोर टीयर में ज्यादा है। और जो जो सीजीएल जो आपके एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम है, तो ये जो है हायर सेकेंडरी एग्जाम जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जाम, इस ये एग्जाम जो है एक तरह से दो टीयर में जाता है। तीसरा टीयर जो होता है एक तरह से प्रोफिशिएंसी और टेस्ट और स्किल ये होता है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्न को। तो मेनली जो रिटन पोर्शन आपका है, आप देखिए लगभग लगभग दो टीयर में आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आप फर्स्ट ईयर में है, ये नहीं कि आपने एक साल, लेकिन आप देखेंगे कि जो लेवल टू है, लेवल टू में अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, जो जहां पर आपके अप्लाइड पोर्शन आते हैं, अगर उसकी प्रिपरेशन आपने नहीं करी है तो चाहे जितनी मेहनत करी है आपका 20 घंटा और वो विद्यार्थी जो आपके अप्लाइड पोर्शन पढ़ चुका है उसका 2 घंटा बराबर है। आप 20 घंटा अगर पढ़ेंगे और वो 2 घंटा पढ़ लेगा तो आपको बीट कर देगा, आपके 20 घंटा बेकार हो जाएगा, ये स्टेज हो जाती है। वजह क्या है, अप्लाइड पोर्शन में आपके दिमाग खोले जाते हैं। जब आप लेवल टू पढ़ते हैं, लेवल वन में तो ये है कि आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराया, उसका सॉल्यूशन बताया, उसका शॉर्ट ट्रिक बता दिया, आपको फॉर्मूला बता दिया। लेवल टू पढ़ते हैं, अप्लाइड पोर्शन कैसे होते हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। कहने को तो ये कह दिया जाता है कि हाई स्कूल तक की सारी चीजें आती है, जीएस में क्या है कि आपकी एनसीईआरटी पढ़ आई। तो एनसीईआरटी क्या देगी, एनसीईआरटी सिर्फ आपको एक तरह से डेटा आपको पता चल जाएंगे, डेटा आपको यूज हो पाएंगे, जो चीज लिखी हुई है बस वही चीज आपको लर्न हो पाएगी। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से कोई कंपटीशन नहीं निकाल लेता है। वजह क्या है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अभी हम जीएस जब चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम का डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, तो जीएस के जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा कि हाँ कैसे, जैसे हम लोग कोई भी जो है नोट्स उठा लेते हैं, कोई भी आपके एक तरह से सपोज कर लीजिए कि आपने उठा लिया, सपोज कर लीजिए कि कोई जो है गाइड उठा लिया, किसी विद्यार्थी का नोट्स उठा लिया या किसी कोचिंग का नोट्स उठा लिया, किसी टीचर का नोट्स उठा लिया, उससे कोई काम नहीं चलना। वजह क्या है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा, इसमें एक चैप्टर आएगा परसेंटेज, जो आपने शायद छठवें क्लास में पढ़ा होगा, तो सिक्स सेवेंथ में पढ़ते हैं आप परसेंटेज, लेकिन वो परसेंटेज और इस परसेंटेज में जमीन आसमान का फर्क है। आपने टाइम एंड वर्क अगर कहा जाए तो पढ़ा होगा आपने 6, 7, 8 में, और वही टाइम एंड वर्क यहां पर भी होगा, लेकिन वहां पर जो टाइम एंड वर्क पढ़ा उससे जमीन आसमान का फर्क है। यहां पे क्यों, अप्रोच डिफरेंट है, पूछने का क्वेश्चन डिफरेंट है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा जो है आपके 7th, 8th, 9th, 7th क्लास में ही आ जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, लेकिन जब आप सिंपल इंटरेस्ट यहां पढ़ते हैं उसका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ऐसा लगता है वो, अरे ये तो छठे में पढ़ा था, अरे ये तो सातवें पढ़ा था, ये तो आठवें पढ़ा था। बेसिक चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें,
जैसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक एग्जाम्पल लिया, तो आगे चल करके किसी कोर्स को डिफाइन करेगा। मान लीजिए किसी भी पार्ट को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, हीट पढ़ रहे हैं, या फिर जैसे आपके मोशन की बात हमने करी, वहां पर क्या है, अब वहां पे आ गई वो चीज कि जो थर्मोडायनामिक्स का नियम हम लोग पढ़ते थे सिंपल सा, अब वो कैसे निकलता है उसकी जिस्ट में चले गए। वो डराइव कैसे होता है, वो फॉर्मूला कहां से आता है, वो किन किन जगह पर अप्लाई होता है, थर्मोडायनामिक्स को एप्लीकेशन कहां कहां पे है, वही चीजें हैं जो छठे सातवें आठवें से, लेकिन वही चीज आप वहां पर पढ़ रहे हैं। हो सकता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ऐसे 6, 7, 8 में पढ़ाया गया, सिंपल सा पढ़ाया गया, 11, 12 में थोड़ा बहुत आपके उसका एप्लीकेशन पढ़ा दिया गया। जब आपने बीएससी किया या एमएससी किया किसी पर्टिकुलर पोर्शन में, तो आपने देखा कि वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको ये चीज देखा गया कि हमने अगर सपोज कर लीजिए कि किसी जो हमने छठवें क्लास में पढ़ा था, एक तो छठवें क्लास की चीज है जो हमें एमएससी पढ़ रहा है, लेकिन टॉपिक वही है, लेकिन उसमें जो सेंस है वो ब्रॉडर सेंस होता चला गया। वही चीज होती है कॉग्निटिव जो है आपके स्टडीज में। आपने जरूर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपके इंग्लिश पढ़ी होगी, आपने जो है 9, 10, 11, 12 तक सब सारी चीजें पढ़ी होते हैं हम लोग, लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन के दौर में आते हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं जहां पर एक तरह से पूछा इस तरह से आता है कि आपका मेंटल स्टेटस चेक हो जाए, आपकी आईक्यू चेक हो जाए, आपका दिमाग कहां तक दौड़ सकता है वो चेक हो जाए। तो और ये कब आता है, जब आप कंप्लीटली सारी चीज आपका लेवल 1 लेवल 2 दोनों पढ़ लेते हैं। जब दोनों पढ़ लेंगे विद्यार्थी जब उस स्टेज में हो जाता है जब उसका कॉम्पिटिशन निकलने लगता है, आप देखिएगा आप जब उस स्टेज में पहुंचेंगे जब आपका कॉम्पिटिशन निकलने लगता है, या किसी विद्यार्थी का देख लीजिए, अब उसको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कहां पे हम ज्वाइन करें। ऐसा नहीं होता कि एक जगह सिलेक्शन हो जाए, कितने ऐसे विद्यार्थी इस 10% लोगों में वही लोग आते हैं जो सर्विस कर रहे हैं अभी, मान लीजिए एसएससी का फॉर्म निकला, सर्विस कर रहे हैं एसएससी की ही, जॉब ले चुके हैं लेकिन फिर से फॉर्म भर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको अपर पोस्ट पर जाना है, तो वो विद्यार्थी फिर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि उनको तरीका पता चल गया है, आपका लेवल बढ़ चुका है, आप बेसिक फंडा क्लियर कर चुके हैं, उनको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्या कर पढ़ेंगे और एग्जाम जाकर दे दिया, आपका नहीं होगा उनका हो जाएगा, क्यों जाएगा, वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, उतनी जानकारी उनको हो चुकी है। तो आपका भी लेवल जैसे जैसे जब उस स्टेज पे आदमी पहुंच जाता है, जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो हम आपको डिस्कस करेंगे इसमें, एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है ये समझने का प्रयास करिए। अगर एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आपने एक डिमांड सप्लाई कर्व क्या होता है, प्रोडक्ट देखा जाता है किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है तभी तो उसकी उतनी सप्लाई की जाती है। मान लीजिए मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की जो है आपके एक तरह से एक डिमांड है, सपोज कर लीजिए कि 50 यूनिट में आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी, मान लीजिए कोई वॉशिंग मशीन है और इस तरह से बिकेगी 150 जो है बची रहेगी, इसके बराबर हमने 150 एक्सेसिव प्रोडक्शन कर दिया, तो हमने ये नहीं जाना कि हमें जो है डिमांड कितनी है तभी तो हम सप्लाई करेंगे। तो अगर हम 150 का एक्सेसिव रख देते हैं सप्लाई करके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ट्रैक से भटक गए, यही 150 किसी दूसरी जगह पर अगर हम ले जाते तो सकता है वो 150 बिक गई होती। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, कोई भी मार्केट अगर होती है उस मार्केट में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इस मार्केट की डिमांड क्या है, तब कंपनी क्या करती है, जब डिमांड स्टडी कर लेती है तो उतना सप्लाई करती है उसको। वही चीज आपके साथ है, कंपनी क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी में अब वो डिमांड क्या कर रही है ये आपको समझना है। जब आपको डिमांड पता चल जाएगा एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है तभी तो आप सप्लाई करेंगे। आप किसी गेम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जब आपने देखा होगा किसी मैच की प्रिपरेशन आप करते हैं, मैच खेलने जाते हैं,
मैच जब खेलने जाते हैं तो आप उसको प्रिपेयर करके जाते हैं। मान लीजिए किसी दो व्यक्ति हैं या दो नेशन है, सपोज कर लीजिए कि कोई मैच हो रहा है, हमेशा वहां पर एक की जीत होगी एक की हार होगी। जो बेटर खेलता है, जो अच्छा खेलता है उसकी जीत हो जाती है, जो थोड़ा सा कम अच्छा खेलता है उसकी हार हो जाती है। दोनों ने प्रिपरेशन करी, और डिपेंड करता है आपने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करी, आपके कोच कैसे थे, आपको किस तरह से गाइडलाइन कर रहे थे, आपका फिजिकल फिटनेस ठीक था या नहीं था। वही चीज आपके साथ यहां लागू होती है। आप किस पे हैं, आप गेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं टोटल। अब आपको क्या है, आपका कोच कौन होगा, आपके टीचर्स होंगे जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। आपकी फिटनेस क्या होगी, आपकी स्टडीज होगी, फिटनेस आपको बना कर देगा खड़ा है। अर्थात अब मान लीजिए कि आपके कोच बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप फिटनेस रहते नहीं है, फिट रहते ही नहीं है। हम मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि हम एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को फिट रखना ही नहीं चाहते हैं, तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे ग्राउंड पर जाकर के मैच में। मैच में परफॉर्मेंस तभी आप कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। वही सेम चीज बिल्कुल आप अपने ऊपर लागू करके देखिए, ये एक गेम है। और वो विद्यार्थी सफल होता है, वो जॉब पाता है जिसकी प्रिपरेशन बढ़िया होगी। और प्रिपरेशन एक एंगल से नहीं होती, सिर्फ आप ही को नहीं करना है, हमें भी करना है। आपसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर आप मेरे पास आए हैं तो कुछ आशा लेकर के आए हैं। टीचर, कोई भी टीचर के पास अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने आता है तो विद्यार्थी को कम टेंशन होता है। विद्यार्थी को ऐसा लगता है टीचर को आया, आकर के पढ़ा करके चला गया, उसको ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को नहीं पता, जब हम लोग पढ़ाते हैं हम लोग पूरी माइंड का पूरा कैलकुलेशन करना है। सर ने कुछ नहीं पढ़ाया, एग्जाम में जो आया साल भर पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ाया था, पेपर दिख रहा है और पेपर में कुछ नहीं आया। अगर हम साल भर आपको पढ़ाएं, मीठी मीठी बातें करें, कहानियां सुनाएं, खूब आप खुश रहें, बढ़िया रोज जो है आपके लतीफे सुनाएं, तो जो है आपके एक तरह से चुटकुले कुछ मजा लगवा दें, रोज आप जो है ठाका लगाएं क्लास में, बहुत अच्छा लगेगा। सारी चीजें किसको जो है ये सब करना अच्छा नहीं लगता, धीरे धीरे करके आपकी हैबिट पड़ जाएगी। और यही हम लोग सुनना नहीं चाह रहा, क्योंकि हमें ऐसा टीचर, अगर हम स्टेज पे आए हैं तो हमें टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना पड़ेगा। आपको अगर कॉम्पिटिशन निकालना है, जॉब निकालना है, तो आपको स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। हाँ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, दोनों एक दूसरे को का कोऑर्डिनेशन लें और कोऑर्डिनेशन लेकर के आगे बढ़े। आप देखिएगा हम लोग की प्रैक्टिस भी बढ़िया होगी और मैच भी हम लोग बढ़िया से जीतेंगे। ये क्या है, ये गेम प्लान होता है। किसी गेम को खेलने से पहले एक प्लानिंग की जाती है कि कैसे हम गेम जीतेंगे। आपका जो प्रिपरेशन है वो टोटल इसी पर बेस करता है। और गेम प्लानिंग क्या होती है, यही होती है अपने आप पोजीशन पे सिलेक्शन नहीं होता। इस कैटेगरी में बहुत कम लोग आ पाते हैं और इस कैटेगरी के ही लोग सेलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन 99.9999% इसी ग्रुप से होता है, बाकी इन सब ग्रुप से बहुत ही कम परसेंट होता है। बहुत ज्यादा उड़ के होगा तो 1% होगा इसमें, और इसमें 0% होगा, कोई नहीं होगा सेलेक्ट। मतलब पहले से ही आप ये कहें कि जो मॉब होती है लगभग 80-90% बाहर रहती है पहले से। जो किसी भी एग्जामिनेशन को देने का टफ फाइट होती है वो मात्र 10% लोगों में होती है, 10% लोग जो फुल फ्लेश तैयार होते हैं। तो हम तैयार कैसे होंगे या इस ग्रुप में कैसे शामिल होंगे, अभी तो हम इस ग्रुप में हैं। अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं इस ग्रुप में, अब आप इस ग्रुप में आ गए कि अब आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अभी तक हम लोग इस ग्रुप में पड़े हुए थे, अब प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये प्रोसेस आपका साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक का होगा। हो सकता है लेवल 1 करने के बाद लेवल 2 करें, आपका 2 साल लग जाए। लेकिन इस 2 साल के बाद आप अगर मान लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन ये ऐसा, हमने आपको क्या बताया, पेशेंस है। अगर आपने अपना हेड डाउन करके अपना 1.5 साल 2 साल अपने लाइफ का अगर आपने निकाल लिया और डिवोट कर दिया, तो आगे आने वाली लाइफ आपकी बहुत जो है फ्रूटफुल, बहुत अच्छी, बहुत जो है आपकी तरह से। देखिए यहां पर किसी कोचिंग, किसी टीचर को ज्वाइन करने से कोई सिलेक्शन नहीं होते। किसी कोचिंग, किसी टीचर की स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और खुद का गेम प्लान बनाइए, खुद की प्रैक्टिस करिए, खुद की जो है आपके एक तरह से जितनी भी स्टडीज है उसको करने की कोशिश करिए, तब जाकर के किसी कॉम्पिटिशन को कॉम्पिटिशन निकलता है। पहली चीज सोच, जो पहला जो एंगल आपका होता है,
प्लानिंग का जो पहला पार्ट है वो है आपके एक तरह से, देखिए दो तरह के लोग होते हैं, काम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, कितने कितने ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्शन नहीं मिल पाता। ये आपके दो तीन दिन हम क्यों लेते हैं स्टार्टिंग में, ये दो तीन दिन में हम सब के सब चीज बताने का प्रयास करेंगे, तो आप चले गए पढ़ते किसी के में नहीं हुआ पार्सल बात करके चले गए, क्यों मेहनत तो जरूर कर रहे थे लेकिन उनके पास प्लानिंग नहीं थी। तो दो तरह से आपका यहां पर भी ये बढ़ता है कि एक आपकी प्लान्ड लोग होते हैं और एक अनप्लान्ड लोग होते हैं। दोनों हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क दोनों करेंगे लेकिन अगर प्लानिंग है यही हो जाते हैं सक्सेस और यही हो जाते हैं फेल्योर। इसके मतलब यह है कि जो हार्ड वर्क है इसको तो हमें करना ही करना है लेकिन इसके साथ जब हम इसको कपल करेंगे प्लानिंग करेंगे तब हम जाकर के एक तरह से सक्सेस पा सकते हैं। अब इस प्लानिंग की जो पहली कड़ी होती है वो आपकी सोच होती है, कहां तक आप क्या चीजें सोचते हैं या किस प्रकार से आपकी क्या एबिलिटी है या किस तरह से आप कि जब एग्जामिनेशन की जैसे हमने आप कहा कि एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट अगर आपको पता होगी तभी तो आप उसको सप्लाई कर पाएंगे। तो आपकी जो सप्लाई होती है वो मेनली डिपेंड करती है आपकी जो है आपको डिमांड के बारे में पता है अथवा नहीं पता है उन चीजों के बारे में। प्लान कैसे होंगे आप क्योंकि इसी के लिए आपको जो है आपके प्रिपेयर करना जो है कराया जाएगा आपको यहाँ पर, क्योंकि वजह क्या है कि अब जैसे मान लीजिए सारे टीचर्स आए और आकर के अपने सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दें आप भी पढ़ते फिर दे जाएंगे। कुछ ऐसे जैसे जो आपके ये कॉम्पिटिशन वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, हर एग्जाम को टाक दे दिए कम कुछ समय होता है, समय बहुत कम दिया जाता है और क्वेश्चन ढेर सारे दे दिए जाते हैं। क्यों दे दिए जाते हैं, जो स्किल्ड होगा, स्किल्ड कौन होगा, प्लान्ड जो होगा, जो स्किल्ड होगा उसके स्किल पावर में जब स्किल्ड व्यक्ति हो जाता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती, दक्षता बढ़ जाती, और जहां आपकी दक्षता बढ़ी, दक्षता बढ़ते ही एफिशिएंट होते ही क्या हो जाएगा आपके स्पीड बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि किसी एक पोस्ट पर 10 साल से काम कर रहे हैं, जब एक पोस्ट पर आप 10 साल से काम कर रहे हैं आपको उस पोस्ट के सारी चीजों के बारे में पता है, इसलिए आप आते हैं खड़ा खड़ा अपना काम करते हैं ज्यादा लगा देता है। और यहां पर क्या है कि जो स्किल्ड पर्सन है वो क्या करता है, वो एफिशिएंटली वर्क को करता चला जाता है। तो आपको स्किल्ड बनना है और स्किल्ड कैसे बनेंगे आप पूरी तरह से अपने आप को, जैसे मान लीजिए क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेपर आपको मिला, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल के, अब देखिए यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 12th तक मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी होगी, बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जिनकी बीएससी में मैथमेटिक्स होगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जो एमएससी वाले भी बैठे होंगे मैथमेटिक्स वाले, उनके दिमाग में ये होता है कि हमारा तो एमएससी किया हुआ मैथमेटिक्स है, हमें मैथमेटिक्स में क्या, मैथमेटिक्स में ऐसे निकल जाएंगे, इस कॉन्फिडेंस में मत रहिए, वो हायर मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स का इस मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं। हाँ ये जरूर है कि अगर आप बीएससी और एमएससी हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होगा और लोगों के कंपैरिजन में, आप बहुत फास्ट होंगे और लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों पर वर्कआउट कर चुके हैं, आपका माइंड जो है वो शार्प हो चुका है। क्यों, क्योंकि बीएससी एमएससी ऐसे नहीं हो जाता, जब आप देखते हैं पूरा सिलेबस जब आप कवर करते हैं, आप पूरी मेहनत करते हैं, चीजों को समझते हैं, फॉर्मूले कहां से डराइव होते हैं, किस तरह से आते हैं, सब कुछ एक छोटी छोटी माइन्यूट चीजें आपको पता होती। तो जब आप जो है बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं या कोई भी आपके एक तरह से अगर मान लीजिए आपने मास्टर डिग्री की है तो वो क्या करती है आपको, वो आपको पुशअप देती है किस चीज में, कॉन्फिडेंस में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, कॉन्फिडेंस रखना अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना नहीं, हमें पढ़ाई की आवश्यकता ही नहीं है, तुरंत तो पिछड़ जाएंगे आप इन लोगों से जिसने किया हुआ है, जो सिंसियरली हेड डाउन करके जो वर्क कर रहे हैं उससे कॉम्प्लिकेटेड होने लगे, क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आंसर निकाला आगे का।
अब एक्सरसाइज दी हुई है, 50 क्वेश्चन दिए हैं, आप लगाते जा रहे हैं। हाँ आता जा रहा है क्वेश्चन, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। हाँ मैं ऐसा आ गया, ये मैथमेटिक्स नहीं है। फिर हम बता रहे हैं तब आपका कॉम्पिटिशन निकलेगा। इसके मतलब आंसर निकालना ही मेन मकसद नहीं है। बहुत कम समय में जब 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में आप निकालने लगेंगे, और कब निकालने लगेंगे जब उस पर आप वर्क करेंगे। तो अब ये वर्क कैसे होगा, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे स्किल्ड पर्सन का, तो जब स्किल्ड पर्सन 10 सालों से काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उसको पता है, खड़ा अपने काम को निपटा देता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, दक्षता बढ़ गई, और जैसे ही दक्षता बढ़ती है अपने आप उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड क्या बढ़ जाती है, जो चीज उसको वर्क करना था ऑफिस में, जो उसने पूरे दिन लगाया, मान लीजिए सपोज करिए कि आपके 10 घंटे का जो काम था उसने 2 घंटे में निपटा दिया, लेकिन एक न्यू कमर है उसी 2 घंटे के काम को शायद 2 दिन में करे, तो उसको समझना भी पड़ेगा। इसके मतलब उसकी दक्षता कम है, और दक्षता कम अगर है, एफिशिएंसी कम है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन अगर आप दक्ष हो गए, तो यहां पर क्या होता है कि दक्ष अगर हो गए, एफिशिएंट हो गए, तो वहां पर स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। तो आप पहले दिन से मैथमेटिक्स करना शुरू करते हैं, आप लोगों की स्टार्टिंग होती है, आप लोग कहते हैं अरे स्पीड बनी नहीं रही, स्पीड बनी नहीं रही। पहली चीज एक बात समझ लीजिए, स्पीड और कॉन्फिडेंस आप उसके लिए बिल्कुल प्रयास मत करिए, वो खुद से आता है, अपने आप आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। कब, जब आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी, जब चीजों के बारे में आप जानने लगेंगे, जब तरीकों के बारे में आप जानने लगेंगे, कैसे किसी चीज पर वर्कआउट किया जाता है, तब जानने लगेंगे। अगर ये चीजें जानने लगे, तब आप देखिएगा हर एक चीज, कोई भी चीज आप करेंगे, आपको कम समय में कम एफर्ट के द्वारा तुरंत तुरंत अचीव होने लगती है। तो काम को करना, आपको काम कैसे करना है, एक ब्लाइंड वे से, ब्लाइंड व्यक्ति के रूप में, और इस बिल्कुल वे में करना है, आपको एफिशिएंट होकर के करना है। और हम टीचर्स का काम क्या है, हम टीचर्स का काम ये है कि आपको इसी एफिशिएंसी को दिलाना, आपकी दक्षता को बढ़ाना। आप दक्ष अगर होंगे तो दो चीजें बहुत तेजी से बढ़ती है, एक कॉन्फिडेंस, एक स्पीड। जिस दिन आपकी जैसे जैसे खटाखट आंसर निकलने लगेंगे या क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेंगे, उस समय क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाएगा, अरे हमें तो आ गया, अरे हम ये भी कर लेते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाएगा, और इस कॉन्फिडेंस में क्या करेंगे, आपकी इतनी तेज स्पीड हो जाएगी, इतनी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करने लगेंगे, अपने आप कम समय लगने लगेगा। और ये जो 10% लोग होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता, इनके पास दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, और इस दक्षता की वजह से, एफिशिएंसी की वजह से उनकी स्पीड और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये क्यों कंपटीशन लीड कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा कर लेते हैं आपसे। अगर वो स्किल्ड है, एफिशिएंट है, तो उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, आप पूरा पेपर भी नहीं पढ़ा पाएंगे इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन दक्षता वाला व्यक्ति हो सकता है 70 क्वेश्चन कर ले, 72 कर ले, 75 कर ले, 80 कर ले। इस तरह से दक्षता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और उतने ही समय में आप, हमारे ये 75 मिनट का पेपर है, और 75 मिनट के इस पेपर में जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी 75 क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन वहीं पर कोई विद्यार्थी 40 और 45 पे ही अटक जाएगा, क्योंकि 75 मिनट बहुत ज्यादा समय नहीं, और आपका समय कम हो गया। समय कम होने से क्या होगा, फिर आपको और एफिशिएंट होना पड़ेगा। तो इन बातों की आपको समझ रखनी है कि हमें अपने आप को किस लेवल का तैयार करना है। अगर हम सिर्फ यही सोचे कि शायद पढ़ने से कॉम्पिटिशन निकल जाता है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए इस बात को। पढ़ना तो है ही है, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है, लेकिन बहुत सारी चीजों में अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है। जिस दिन आपका प्रिपरेशन अच्छा हो गया, जिस दिन आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, आप दक्ष हो गए, आप स्किल्ड हो गए, आप एफिशिएंट हो गए, उस दिन आप देखेंगे खुद ब खुद आप उस लेवल में पहुंच जाते हैं कि एग्जाम कोई भी हो, कॉन्फिडेंटली आप जाएंगे, एग्जाम दिया आपने और तुरंत तुरंत आपका एक तरह से फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आ रहा है, जॉब आपको तुरंत मिल गई। और वो स्टेज हर विद्यार्थी के उसमें आता है, सिंसियरली वर्क करने की, पेशेंस रखने की। मैक्सिमम लोग विद्यार्थी जो होते हैं, जो आपके आते हैं आपके बैच में भी, मोर देन 90% लोग इलाहाबाद के बाहर के होंगे, इलाहाबाद रीजन के बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, ये सारी चीजों का हर चीज तरह से एक्सपीरियंस है। तो मोर देन 90% स्टूडेंट बाहर का होता है, और
बाहर का आया हुआ विद्यार्थी पहले यहाँ पर सेटल करता है, रूम देखता है, लॉज देखता है, हॉस्टल्स देखता है, पढ़ता है। बहुत सारे विद्यार्थी जैसे किसी ने डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, किसी ने मान लीजिए यूनिवर्सिटी जाता है, वहां पे क्लासेस करता है, वहां पर भी मैनेज करता है। होता क्या है कि इन सभी चीजों से कभी कभी ये हो जाता है कि आप डाइवर्ट हो जाते हैं। जब आप यहाँ पर आए हैं एक एम रखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आप अगर यहाँ पे आए हैं तो बहुत सारे लोगों की आशाएं आप पर टिकी हैं। किसकी? मेन एटलीस्ट आपके वालिद वालदा की, फादर और मदर की, एटलीस्ट जो आपके पेरेंट्स या गार्जियंस हैं, उन्होंने, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कोई जरूरी नहीं कि सबके पास बहुत अता पैसा हो, हो सकता है बहुत सारे गरीब भी होंगे, बहुत सारे बहुत मुश्किल में पढ़ा रहे होंगे किसी अपने बच्चे को, आप लोगों को बहुत मेहनत से, हो सकता है पैसा किसी से उधार लेकर के आपकी फीस जमा किया हो, या महीने का पैसा आपको बहुत मुश्किल में वो भेज पाए। कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी जब आता है, देखिए दुनिया की एक चीज और समझ लीजिए, हमने आपको क्या कहा, जब जाइएगा बहुत सारी चीज सीख लेके जा सकते हैं टीचर से, हम लोगों की बातों से, हम लोग आपको हमेशा इस तरह की सीख देते रहेंगे, भले कुछ बनिए चाहे ना बनिए, एक अच्छे इंसान जरूर बनकर के यहां से निकलिएगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपको जिंदगी भर फायदा करेगा, कभी आपको नुकसान में नहीं रखेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी कोई व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए आता है और अपने टारगेट को भूल जाता है, आप किसी मान लीजिए, क्योंकि जितनी दुनिया की बुरी चीजें होती है, बुराई इंसान को जल्दी अट्रैक्ट करती है, हम लोग हैवान शैतान जल्दी बन जाते हैं बनिस्बत इंसान बनने के। तो इंसान बनना बड़ी मुश्किल चीज है, बड़ी कठिन चीज है कि जहां पर आप अपने आप पर कंट्रोल रख सके, आप अपने आप को जो है एक तरह से एक अच्छा आदमी बना करके साबित कर सके। ये चीज जिस दिन आपका परिवार हो जाएगा उस दिन आप देखेंगे कि आपका माइंड सेटअप बिल्कुल बदल जाता है। अभी चाहे जितनी हो, दोस्ती हो, यारी हो, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपकी फैमिली हो जाती है, फैमिली के लिए सोचते हैं। कितने ऐसे माँ बाप होंगे आप लोगों के बीच में कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल से आपकी फीस जमा करी है, या बड़ी मुश्किल से आपको साल भर डेढ़ साल पढ़ा पाएंगे इलाहाबाद, क्योंकि हर महीने उनको पैसा भेजना पड़ेगा। यहाँ आकर के क्या हुआ, अब वो चीज हम भूल गए, मजा आने लगा, दोस्तों मिल गए, अपना टारगेट भूल गए, उनकी आशाएं क्या है, उनको ये सिर्फ उम्मीद थी कि हम अपने बच्चे को यहाँ भेजेंगे, वो तैयारी करेगा, अच्छी प्रिपरेशन करेगा, एक अच्छी जॉब पाएगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, अपना परिवार चलाएगा, और शायद बच्चे अगर खुश होते हैं तो माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी वही होगी। उनकी आशाएं आप लोगों से है, इसलिए नहीं कि आप कमाएंगे, उनको देंगे, वो तकिए के नीचे पैसा रखेंगे और शायद उनको अच्छी नींद आएगी, इसलिए वो नहीं एफर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने पेट काटा होगा, उन्होंने उधार लिया होगा, कर्जा लिया होगा, सारी चीजें आपके लिए, इस बात को कभी दिमाग से मत निकालिएगा, आपके लिए इसलिए कर रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ सुधर जाए, आप एक अच्छे इंसान बन जाए, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी को हम लोग किस तरह से देखते हैं, स्टेबिलिटी को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि एक जो है आपके एक तरह से मंथली आय हो जाए, हम लोग कहीं से भी, अगर कहीं पर भी हम लोग जॉब से लग जाते हैं, एक मंथ में पैसा आने लगता है, तो 99% टेंशन दूर हो जाती है, 99% टेंशन आपकी जिंदगी की जितनी है वो उस दिन दूर हो जाएगी जिस दिन आपके हाथ में कोई जॉब होगी। आप देख लीजिएगा, जिस दिन आपके पास जॉब होगी, मेरी ये बात याद रखिएगा जरूर, और मुझे याद करिएगा इस बात के लिए कि जिस दिन आपके पास जॉब होगी उस दिन आपकी 99% टेंशन दूर हुई या नहीं हुई, आपको हर तरह की खुशी मिलेगी, हर तरह की टेंशन दूर हो जाएगी, और नई नई रातें दिख जाएगी। अब हम ये भी करेंगे, अब हम ये भी करेंगे, अब हम ये भी करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया। कभी कभी विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी हम लोग ने देखे हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, माँ बाप बेचारे स्ट्रगल करके घर से भेज रहे हैं, यहाँ आकर के भटक गए। अब क्या है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए चुनाव होते हैं, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अब चुनाव होते हैं, मान लीजिए चुनाव में राजनीति कोई कर रहा है, तो हर एक लीडर को ढेर सारे लोगों के अपने पीछे चलने की जरूरत होगी। तो आजकल की पॉलिटिक्स भी बहुत गंदी हो गई, आप जानते हैं,
और नॉर्मली क्या होता है कि हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है, कोई भी लीडर हो चल रहा है आगे सोचता है 50 बच्चे लड़के जो है हमारे पीछे चले। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनको भाई कहा जाता है कि भाई के पीछे चलना जो है अच्छा लगने लगता है कि फलाने की जो है आपके भाई की टीम में हम हो गए। ठीक है, सब कुछ करिए दिमाग से करिए। कभी क्या होता है, कभी सारी चीजें ये है कि आप जा रहे हैं और सूझबूझ से आपने काम नहीं किया, कहीं लड़ाई कर लिया, दंगा कर लिया, कहीं बम चल गया, कहीं कट्टा चल गया, क्या हुआ, कभी भाई नहीं पकड़ा जाएगा, भाग जाएगा तुरंत, पकड़े जाएंगे आप जो पीछे चल रहे हैं, जाएगा पुलिस केस आपके ऊपर होगा। जिस दिन पुलिस केस आपके ऊपर हो गया, गई है सारा फ्यूचर खत्म, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर एक पुलिस केस हो गया, क्योंकि आपके सरकारी नौकरी मिलने पर आपके पहले एक तरह से रिपोर्ट जाती है आपके थाने से, आपका जो थाना होगा उस थाने क्षेत्र में रिपोर्ट आती है, पूछा जाता है ये क्रिमिनल तो नहीं है, इसके नाम कोई मुकदमा तो नहीं है, इसने कोई क्राइम तो नहीं किया है। जब ये सारा वेरिफिकेशन हो जाता है, पुलिस आप जो है आपके एक तरह से वेरिफिकेशन कर देती है, तब आपको जॉब मिलती है। अननेसेसरी किसी चीज को कभी कभी विद्यार्थी जो है नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी इन सब मामलों में फंस जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे कि विद्यार्थी जबरदस्ती का फंस गया, उसके बाद पुलिस केस हो गया, जेल चला गया, वो सारी उसके माँ बाप बेचारे घर से दौड़ते भागते आए, रो रहे, बिलख रहे, लेकिन क्या करें, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्राइम हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे इस तरह की वारदात हो जाती है जिसमें जो मेन कल्प्रिट है वो भाग गया और वो आप पकड़ गए। इन चीजों से थोड़ा बचिएगा, जब बाहर से आप आए हैं थोड़ा सब कुछ करिए, सबके साथ दोस्ती रहती है, ऐसा लगता है कि शायद दोस्त मर मिट जाता है, एक दो साल के बाद अगर मान लीजिए कोई दो दोस्त अलग है, आप देख लीजिएगा क्या होता है, सब अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। वजह क्या है कि दुनिया का हर आदमी परेशान है। वजह परेशान क्यों है, परेशान इसलिए है क्योंकि वो अपने एम्बिशन नए पालता है, इसलिए सब अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। तो आपके अगर मान लीजिए कि परिवार की तरफ से किसी को कुछ आशा है आपको, आपको इसलिए भेजा कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए, आपको एक जॉब मिल जाए, आप स्टेबल आदमी बन जाए, तो शायद आप अगर ऐसा करके जाएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी दुनिया में अगर किसी को होगी तो होंगे माँ बाप, उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होगी। उनको सबसे बड़ी खुशी होगी कि अभी उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको सबसे ज्यादा खुशी ये मिलेगी कि हमारे बच्चे को ये चीज मिल गई, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और सबसे ज्यादा विद्यार्थी इसमें भटकता है, आप लोगों की उम्र है ये, आपको बता दें आप लोग उस एज में हैं जो जिसमें भटकाव ज्यादा होता है, जहां पर बुराई आपको आकर्षित ज्यादा करेगी, आप ज्यादा आकर्षित होंगे बुराई की तरफ, लेकिन थोड़ा सा संयम बना कर रखिएगा, दिमाग से चलिएगा, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिएगा, डिसिप्लिन वे में रहने की कोशिश करिएगा। आप क्लासरूम से डिसिप्लिन शुरू करिए, आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी। आपने क्लासरूम में डिसिप्लिन शुरू किया, आपकी लाइफ लॉन्ग इंडिसिप्लिन आप भी रहेंगे और आपकी लाइफ भी बनी रहेगी। जैसे स्टार्टिंग की क्लासेस में इसीलिए बता दिया जाता है, अक्सर क्या होता है कि विद्यार्थी आता है और मान लीजिए कि बहुत सिंसियर नहीं है, पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा नहीं आया है, सोच रहा है कोचिंग गेट कर लिया तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। मान लीजिए कि आपके एक तरह से विद्यार्थी आया और वो विद्यार्थी अब ये सोच रहा है कि हाँ हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, बहुत सिंसियरली पढ़ नहीं रहा, अब क्या है तो कुछ भी, अब लड़कियां जा रही हैं या लड़कियां आ रही हैं और मैं कुछ भी कमेंट कर लिया, कुछ भी बोल दिया, सारी चीजें बोल दी, तो क्षणिक सुख शायद आपको मिल जाए ना। अगर अच्छे इंसान है तो कभी सुख नहीं मिलेगा इन चीजों में। आप जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो बड़ा दुख होगा आप अपने आप पर और अपनी सोच पर बड़ा दुख होगा कि हम किस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हर क्लास में हर बैच में स्टार्टिंग में इसीलिए हम बता देते हैं क्योंकि हर बैच में ये प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन जब वाकई में जब हम फायदे से समझा देते हैं, आप लोगों को समझ में भी आ जाता है, आप लोग टीचर की रेस्पेक्ट भी करते हैं, उन चीजों को मानते भी हैं, तो अभी क्या है, लड़कियां जो होती हैं आज भी हमारे समाज में हम लोग कहते हैं ना इक्वालिटी का दर्जा दे दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि ह्यूमन बीइंग हम पुरुष समाज जो एक तरह से पुरुष होते हैं, ये पुरुष प्रधान समाज जो है ये कभी भी नारियों को जो है आपकी इक्वालिटी का दर्जा नहीं दे सकता। वास्तविक रूप में एक माइनॉरिटीज में है ये, निकल करके घर से कब इतना जो है
अपने अंदर कुवत लेकर के आई हैं, इतना जज्बा लेकर के आई हैं कि हम आएंगे और अपने पैर पर खड़े होंगे। ये लड़कियां जो आई हैं, इनको हमें सैल्यूट करना चाहिए, इनको हमें जो है एक तरह से आपके एक तरह से इनका मोराल बूस्टअप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह के समाज में निकल करके आई है कुछ करने के लिए। अगर कल हम इन्हीं को डिमोरलाइज कर देंगे तो ये शायद उस राह से भटक जाती है। बहुत सारे मनचले होते हैं। अब क्या है कि किसी लड़की को, अब क्या है कि उसको बॉडीगार्ड फिल्म आई थी ना वो सलमान खान की, तो फ्री का बॉडीगार्ड बन जाते हैं। अब क्या है, अब उसको घर तक छोड़ने भी आते हैं, पीछे पीछे घर से लेकर के कोचिंग तक लेकर के भी आते हैं। आप लोगों के इन सब कृत्यों से आपने कभी ये सोचा है कि वो लड़की क्या चाह रही है आपको बॉडीगार्ड बनाना? आपके लड़की के पीछे पड़ने से लड़की कभी राजी नहीं होगी। अपनी आइडेंटिटी बनाइए। अगर किसी लड़की को चाहते हैं, बिल्कुल मन में रखिए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए। जिस दिन आपके अंदर अपने अंदर कोई आइडेंटिटी बन जाएगी, आप उस काबिल हो जाएंगे, तब आप उसको जो है ऑफर करिए। आप तब जो है उसके, आप अपने माँ बाप से भी कह सकते हैं, उसके माँ बाप से भी कह सकते हैं। अभी आप क्या है, अभी आप सड़क पे टहल रहे हैं, आप भी कोचिंग कर रहे हैं, आपका कोई वजूद नहीं है कहीं पर, आपका कोई एक तरह से कुछ नहीं है और आप टेलीफोन करके उसी तरह से आप काम कर रहे हैं। आप लोग अच्छे घर से आते हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, उस तरह के नहीं है जो कि आपके सड़कों पे घूमने वाले जो लोफर हैं उनकी तरह नहीं है। लेकिन उनको देख करके अगर आप वही चीज क्लासरूम के अंदर स्टार्ट कर देते हैं, क्लासरूम का डिसिप्लिन बिगड़ता है। और ये कभी सोच करके देखिए, क्योंकि आप लोगों की भी बहनें होंगी, किस यहां पर बैठे हुए जितने भी लड़के हैं, कौन सा ऐसा लड़का है जिसको बहुत अच्छा लगेगा कि अगर उसकी बहन के ऊपर कोई कटाक्ष बोले या उसकी बहन को कोई छेड़ दे, किसी को अच्छा लगेगा? कभी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे की बहन को छेड़ देगा खुशी पाने के लिए। इन बातों को थोड़ा सा दिमाग रखिए, ये डिसिप्लिन बनाएगा क्लास का, और यही डिसिप्लिन तोड़ता भी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम स्टार्टिंग में आपको बता रहे हैं। अभी हमने कुछ नहीं बताया आपको, अभी तो आपको एग्जामिनेशन की कुछ भी हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी सिर्फ हम आपका माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं। 2 से 3 दिन हमें लगेगा आपको, देखिए 2 से 3 दिन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जितनी चीजें हैं एग्जामिनेशन के बारे में एक चीज पता हो जाएगी, आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सब हम तैयार करा देंगे आपके माइंड में। बस ये है कि आपको सोचना है जो चीजें हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन निकलता कैसे है, एक जुनून एक पागलपन से। जैसे कहा जाता है ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां पर आपकी चाह बनेगी वहीं पर आपकी राह बनती है। आपको चाह ही नहीं है किसी चीज की, राह भी नहीं मिलेगी। इसलिए एफर्ट आपको करना होगा, और एफर्ट एक दिन में नहीं मिलता। जैसे कहा जाता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बनाता, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश का। तो वहां पर क्या है कि एक दिन में ना बनने का मतलब क्या है, आप भी एक दिन में नहीं बनेंगे। आपको लाइफ लॉन्ग, आपको एक तरह से कम जॉब जब तक सीख कर रहे हैं तब तक तो आपको एक तरह से स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपकी कोई चीज मिलती है। कॉम्पिटिशन एक ऐसी चीज का नाम है जिसमें जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए, किसी चीज को पाने की चाह चाहिए। अगर वो पागलपन अपने अंदर ले आए कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, हमें ये पाना है, जब तक ये नहीं पैदा होगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। पागलपन के मतलब ये नहीं कि पागल हो जाइए और पीछे जो लोग कंकुड़ी मारने लगे वो वाले पागल की बात हम नहीं कर रहे हैं। एक जुनून, एक पागलपन किसी चीज को पाने का। तो कॉम्पिटिशन में सक्सेस उसी को मिलती है जिसके अंदर ये पागलपन आ जाता है। जिस दिन आप इसको पालना पड़ेगा, अगर कॉम्पिटिशन निकालना है तो इसको पालना पड़ेगा। हर एक चीज किनारे करके आपको अपनी चीज को पहला प्रायोरिटी देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन होने वाला है, आपके क्लासेस छूट रहे हैं, मान लीजिए परिवार में कहीं शादी है, 1 महीने के लिए आप शादी चले गए, सब धुल गया जितना पढ़ा था आपने, तो वहीं पर आपने अपने दिल को बचाया, नहीं नहीं जिस दिन शादी है एक दिन पहले जाएंगे, जाकर अटेंड करके जल्दी से चले आए, या नहीं भी जाएंगे, जब कॉम्पिटिशन निकल जाएगा देखा जाएगा। अभी हमारा एग्जाम सर पे है, प्रायोरिटी आपको हर दम अपने एग्जाम की देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी आपको पढ़ाई की देनी पड़ेगी। अगर उसको आपने प्रायर माना, एक जुनून पैदा किया, एक पागलपन पैदा किया, एक जो है चाह पैदा की,
कि नहीं हमें ये चीज कंपटीशन में ये चीज चाहिए, हर हाल में वो चीज मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला जो है जिसको हम लोग गॉड खुदा भगवान कहते हैं अलग अलग नामों से शायद हम लोग समझते हैं, जैसे डीके फिल्म भी आपने देखा होगा कि उसमें जैसे आमिर खान की फिल्में जो है संदेश अच्छा देती है, जो संदेश हमें मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं, जैसे हर आदमी हर धर्म के अनुसार खुदा अलग है, भगवान अलग है, गॉड अलग है, सब जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है। यहाँ पर इंसान जब पैदा हुए तो एक ही इंसान से, एक ही पेयर से सारे लोग बने हैं, दुनिया के जितने लोग हैं हम सब लोग रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, हम सब लोगों में अगर देखें एक ही खून दौड़ रहा है जो पहले व्यक्ति थे उन्हीं का, भले ही हम लोग सोच में अलग हो जाए, अलग चीजें हो जाए, धर्म अलग अलग मानने लगे, बना लिया है हम लोग ने कितनी ऐसी रूढ़िवादी विचारधारा है जो कि हम लोग जिसका कोई अस्तित्व नहीं है धर्म में, लेकिन फिर भी हम लोग बना करके बैठे हुए हैं और उसी के पीछे हम लोग चल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई इन्हीं सब चीजों को जो है आपकी क्लियर करती है कि हाँ हम किस जगह जी रहे हैं, किन बातों को हम जो है आपके एक तरह से कर रहे हैं, कौन सी चीज करना चाहिए कौन सी चीज नहीं करना चाहिए। गॉड एक ही है, खुदा एक ही है, भगवान एक ही है, जिसको आप चाहे गॉड कहिए चाहे खुदा कहिए चाहे भगवान कहिए, वो हम सब का मालिक है। अब जैसे मदर फादर है, उसके चार बच्चे हैं, क्या कोई मदर फादर ये चाहता है कि नहीं पहले बच्चे के साथ अच्छा अच्छा हो बाकी तीन के साथ अच्छा ना हो, कभी चाहता है? ज्यादातर आपने देखा कभी किसी माँ बाप ने कभी पार्शियलिटी नहीं होती, अपने सभी बच्चों को एक बराबर ही लगभग लगभग चाहते हैं। हो सकता है कभी ऐसा लगता है कि फलाने को ज्यादा चाहता है, फलाने को ज्यादा चाहते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माँ बाप के लिए अपने सारे बच्चे एक बराबर होते हैं। गॉड भी क्या है, गॉड क्रिएटर है, हम लोग को बनाया है, उनके लिए भी हम सब संतान है, हम सब लोग बराबर है, हम जितना एफर्ट करें उतना आप भी करें, उतना आप भी करें हमें, लेकिन रिजल्ट मिल जाए आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अत्याचार नहीं करेगा। आपने अगर कुछ एफर्ट किया है तो उसका रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। आदमी क्या होता है, अब जैसे डीके फिल्म थी उसमें क्या है कि रिजल्ट निकलने वाला होता है तो आदमी नारियल फोड़ा है, मंदिर जा रहा है, मुस्लिम अगर है तो नमाज पढ़ने लगता है, दुआ मांगने लगता है, गुरुद्वारे जाने लगता है, आपके चर्च जाने लगता है, मंदिर जाने लगता है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। चाहे जितनी दुआ मांगिए, चाहे जितनी नमाज पढ़िए, चाहे जितनी चीजें करिए, वो सारी चीजें अलग है। जो आप एग्जाम में कराए हैं उससे एक नंबर नहीं बढ़ेगा, चाहे जितनी चीज पढ़ लीजिए, क्यों? क्योंकि वो आपका एक तरह से रिवॉर्ड है, जो आपने वर्क किया है उसका आपको फल मिला है। अगर आप फेल है, आप किसी भी धर्म के अनुसार, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अब आप ये सोचें कि नहीं हम इतना पढ़े नमाज पढ़ना शुरू कर दें, हम जो है मंदिर जाना शुरू कर दें, हम चर्च जाना शुरू कर दें, तो शायद जो है हम फेल से पास हो जाए, ये ऊपर वाला पास कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दिल बहलाने की चीजें हैं, ऊपर वाला भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है आपके दो नजरी करने लगे, जिसने वर्क नहीं किया उसको जबरदस्ती जो है आपके नंबर बढ़ा दे, ऐसा नहीं। जितना आपने वर्क किया है उतना ही आपको नंबर मिलेगा, इसलिए उससे बिल्कुल निश्चित रहिए। तो इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि एफर्ट आपका प्राइम है, और ऊपर वाला कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, हमेशा इंसाफ करता है। ऊपर वाले गॉड पर फेथ भी रखिए। एक चीज और बताएं, अगर अच्छे इंसान बनना है तो हमेशा आदमी को रिलीजियस होना चाहिए। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? रिलीजियस होने का मतलब क्या हुआ? रिलीजियस होने का मतलब किसी धर्म को कायदे से मानना चाहिए, जिस धर्म के भी मानने वाला है, चाहे वो जो है आपके इस्लाम मानता हो, चाहे वो हिंदुइज्म मानता हो, चाहे वो शैविज्म मानता हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को मानता हो, चाहे किसी भी धर्म को एक्सपर्ट कोई भी धर्म अगर मानता हो, आदमी को धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक के मतलब हर चीज में धर्म को कर दीजिए, लेकिन आस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्रिएटर है तो देगा वही, और कोई नहीं दे सकता। हम लोग के अंदर कोई कुवत नहीं कि हम लोग किसी को कुछ दे पाए या ले पाए, तो हमें मांगना उसी से चाहिए। दूसरी चीज, हमारे लाइफ की डिसिप्लिन तब तक बनी रहती है जब तक हम ऊपर वाले से डरते रहते हैं। आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस कर लीजिएगा इस बात को, जब तक आपको
भगवान का खुदा का डर रहता है दिल में, तब तक आपके अंदर डिसिप्लिन भरा रहता है, और जब डर खत्म हो जाता है आपका डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। वही चीज क्लासरूम में टीचर का डर भरा रहेगा, डिसिप्लिन में आप रहेंगे, जिस दिन टीचर भी आपके साथ हंसने मजाक करने लगेगा, हम आपके साथ हंसी मजाक करने लगे, तो हमें भी हमारा क्लास भी इनडिसिप्लिन हो जाएगा। तो जो आपकी चीजें हैं इनको बहुत बारीकियों से समझने की कोशिश करिए, और कोशिश ये करिए कि आपके जो चीजें बताई जा रही है टीचर अपने एक्सपीरियंस से बताता है। आपकी खुशनसीबी है कि आप जहां बैठे हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे कि ये मेरी कोचिंग है इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जहां आप बैठे हैं आपकी ये खुशनसीबी है कि यहां पर जो टीम है वो शायद इंडिया में इस टाइम नहीं है। इलाहाबाद तो छोड़ दिए, इलाहाबाद तो बहुत छोटी चीज है, इंडिया में नहीं है। वजह क्या है? जितने लोग जितनी चीजें पढ़ा रहे हैं वो सब अपने कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल से पढ़ा रहा है। आपके रीजनिंग वाले सर मिलेंगे, रीजनिंग वाले सर जो आपके पढ़ा रहे हैं शायद पूरे इलाहाबाद या पूरे आसपास का यूपी में जितने टीचर होंगे सब उनके स्टूडेंट को सब होंगे लगभग लगभग। आज इलाहाबाद में जितने मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे हैं जितने सब मेरे स्टूडेंट हैं, जाके पूछ लीजिए किसी टीचर, मैक्सिमम जितने सब हमसे पढ़े हुए हैं, जितने आप इंग्लिश में आप देखेंगे मैक्सिमम टीचर जितने यूज कर रहे हैं वो सब दिलीप सर का नोट्स यूज कर रहे हैं या दिलीप सर से पढ़े हैं, किसी टीचर से जाके पूछ लीजिए। जितने आप जीएस की टीम अगर आप देखेंगे, जीएस की टीम जो कि आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस आपकी ये पोर्शन आप कहीं से कंपेयर कर लीजिए, आपको एसएससी में वो कॉन्क्रीट चीज मिलेगी जो किसी पीसीएस वाले को, आपका कोई कोलीग होगा और पीसीएस वाला होगा आप उससे डिबेट करिएगा, आपको वो चीजें पता होंगी। ये मेरा चैलेंज है, आपको हम लोग वो लेवल पर लेकर के आते हैं, मेरा चैलेंज है कि आपको वो चीजें पता होंगी जो उसको नहीं पता होंगी। आज इलाहाबाद की किसी भी कोचिंग की बात हम कर रहे हैं, हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जो बीसीएस और आईएएस पढ़ा रहे हैं उन विद्यार्थियों को बोलते हैं कि आपको एक ऐसी कॉन्क्रीट टीम मिल रही है कि जिस टीम के का अनुभव आप लीजिए, अपना दिमाग मत चलाइए, क्योंकि हम लोग दिमाग पूरा चला चुके हैं जितने चलाना था, हम लोग सारा एक्सपीरियंस आप ही लोगों के लिए रखते हैं, जो चीजें बताते हैं वो जो है आपके जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है उसी को डेलते हैं। इसलिए कोशिश ये करिए जितनी चीजें कोई भी टीचर बताए उसको ग्रास्प करने की कोशिश करिए उसको, क्योंकि हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है हमने बहुत उच्च उतार चढ़ाव देखे पूरे कॉम्पिटिशन में, और इसलिए हर एक जितने भी आपके एक तरह से एग्जाम होते हैं उन सभी में जो भी आपके एक तरह से लेवल होता है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम लोग सब्जेक्ट पर आएंगे तो हमारी बातें आपको और समझ में आएंगी। वजह यह है कि जब तक हम लोग सब्जेक्ट पर नहीं आएंगे ये नहीं जानेंगे कि हाँ सब्जेक्ट क्या है या किस तरह से हम लोग इसको बांटेंगे या हमारी प्लानिंग कैसे होगी, तो अभी दो पार्ट में हम यह लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलते हैं तो थोड़ा सा प्लानिंग पर बात करते हैं कि कैसे हम लोग प्लान होंगे और हमारा सिलेबस क्या है या किस किस चीजों को हम लोग को कवर अप करना है या एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पॉइंट्स पे हमें बात करनी है वो जो है इंशाल्लाह कल जो है आगे स्टार्ट करेंगे।